सो गाइस, अभी मैं हूँ द पार्क होटल कनॉट प्लेस में। यहाँ 2-3 दिन रहूँगा, फिर घर वापस जाऊँगा। तो चलिए छोटा सा एक रूम टूर करके दिखा देता हूँ कि कैसा रूम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं, स्टार्टिंग से एंट्री से करते हैं, ठीक है। तो एंट्रेंस है यहाँ पे, बाथरूम बाद में, पहले रूम यहाँ से एंटर करते हैं। पता नहीं है क्या मिस्ट्री है, फिर डेस्क काम करने के लिए। यहाँ पे मैं वीडियो बना सकता हूँ, एक्चुअली ये चीज़ बहुत काम आएगा। मैं शाम को शायद यहाँ पे वीडियो बना सकता हूँ। यहाँ पे लैपटॉप रख लूँगा, माइक रख लूँगा एंड मस्त सा चेयर भी है, सो अच्छे से वीडियो बन जाएगा इधर। चलो कुछ काम का है। एंड देन यहाँ पे बैठने का जगह, सॉरी थोड़ा मैसी है। एंड द बेड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ होटल रूम, बेड। बेड भी काफ़ी सही लग रहा है मेरे को, तो बेड भी काफ़ी सही है। एंड और क्या, अब ये ड्रॉअर्स होंगे कुछ कपड़ा वपड़ा रखने के लिए। एंड ऑफ कोर्स मिनी बार यहाँ है, जिससे जहाँ से मेरे को कुछ लेना नहीं है ऑफ कोर्स। तो ये हो गया ये सब। अब हम लोग देख लेते हैं बाथरूम। अरे भाई ऑलरेडी बहुत मैसी हो गया है। दिस इज़ मी। एंड और क्या, शावर, यही है पूरा होटल का रूम। एंड दिस इज़ द स्मॉल रूम टूर, यहीं पे रहूँगा मैं 2-3 दिन। वीडियो बनाऊँगा यहीं पे, मज़ा आएगा। तो चलिए अभी मैं नेक्स्ट डे शायद सोचूंगा कोई मॉन्यूमेंट्स यहाँ आमने सामने है, कनॉट प्लेस के सामने कुछ मॉन्यूमेंट्स होंगे तो उधर घूमने जाऊंगा। तो चलो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा फिर वो। सो गाइस, अभी मैं आया हूँ जंतर मंतर। यहाँ का कॉस्ट था करीब 25 रुपीज़ पर पर्सन। एंड ये कैमरा जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसका भी 25 रुपीज़। तो ये कैमरा भी एक आदमी है। मैं अभी आपको पूरा दिखाऊंगा बैकग्राउंड्स एंड एवरीथिंग, यहाँ पे पूरा जंतर मंतर दिखाऊंगा आपको। फोटो भी पोस्ट करूँ इंस्टाग्राम में, तो @neonman01 फॉलो कर देना, यहाँ लिखा हुआ फॉलो कर लेना, वहाँ से फोटो देख लेना। तो चलो अभी मैं दिखाता हूँ आपको जंतर मंतर। तो भाई काफ़ी हिस्ट्री चैनल्स में आप लोग देखे होंगे कि मतलब वो टाइम वाला चीज़ जंतर मंतर का, तो इधर है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन। अगर आपको रीड करना है तो आप रीड कर सकते हैं। मैं भी अभी रीड करूँगा इसको, पता नहीं मेरे को कभी फिजिक्स समझ नहीं आया तो पता नहीं क्या है ये। तो भाई यही है वो, शायद वो मेजरमेंट टाइम वाला, पता नहीं कितना सेंचुरीज पुराना ये बनाया गया था बाय आर इंडियन आर्किटेक्चर्स। वो उस टाइम में भी इतना डेवलप था, मेरे को समझ नहीं आता है कैसे भाई। आज भी शायद मुश्किल हो जाएगा ये बनाना, मेरे को तो बहुत सही लग रहा है। एंड इसके साइड में पूरा गार्डन एरिया है, आप यहाँ आके चिल कर सकते हैं, लेट सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं। तो भाई यही है जंतर मंतर, मेरे को तो बहुत सही लगा। हिस्ट्री में बचपन से बहुत पढ़ा था और देखा भी था इसके बारे में, सो रियली कूल कि देख पाया। ये है वो होटल जहाँ मैं अभी रह रहा हूँ, द होटल पार्क। और ये है जंतर मंतर, मतलब लिटरली 200 मीटर्स के डिस्टेंस में है ये। तो भाई बहुत सही है, बहुत कन्वीनियंट था, एक बार तो मेरे को देखना था भाई। बहुत बचपन से सुनता था इसके बारे में, इतना सामने रह रहा हूँ और जंतर मंतर नहीं आया तो भाई क्या फ़ायदा क्या हुआ। ये सेम जो है पिक्चर मैं पहचान लिया, क्योंकि भाई मेरे क्लास 5 बुक के हिस्ट्री बुक में था ये वाला इमेज, मेरे को अभी तक याद है। जबकि मेरे को पसंद नहीं था हिस्ट्री, बट पढ़ना तो पड़ता था भाई, आपको भी पता है, रटना पड़ता था, बट पढ़ा था इसके बारे में। तो भाई अभी मैं बना रहा हूँ अपना मेन चैनल के लिए वीडियो, तो भाई अब मेरे को वीडियो बनाने दो। फाइनली भाई घर आ चुका हूँ मैं। अरे भाई पूरा थक गया यार, काफ़ी लंबा ट्रिप था यार। मुंबई गया, उसके बाद वापस आया घर एंड वापस फिर दिल्ली। भाई काफ़ी अभी तरीके। हाँ तो भाई मैं कंक्लूड कर देता हूँ इस व्लॉग को, काफ़ी थक गया यार। बस मेरे को अब अपने बेड में लेटना है भाई। ये बेड भाई कितना मिस किया, सोच नहीं सकते हैं।
बस बेड में लेटूंगा और सो जाऊंगा, थोड़ा मोड़ा एडिट करूंगा लेट के, थोड़ा एसी वेसी ऑन करके एडिट करके अपलोड मार दूंगा, शेड्यूल कर दूंगा कल सुबह, ये पार्ट टू वाला फिर कल एडिट करके अपलोड कर दूंगा। तो भाई अब मेरे को प्लीज़ जाना है, तो बहुत थक गया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सजेस्ट करना, अगर कुछ कॉन्टेंट है मेरे लिए सजेशन देते रहना भाई, आपके सजेशन से ही वीडियो बनाते रहूँगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना अगर आप नए हो तो। सो या सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, एंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।